ड्रीम इलेवन ऐप का आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक होती है इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि रेस्पॉन्सिबल प्ले, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपको शो कर देगा। सेट अलर्ट वाले ऑप्शन में एक आपका ऑप्शन है कि लॉस अलर्ट्स, इसे कैसे यूज करना है या इसे कैसे सेट करना है ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। फिर नीचे के सेट लिमिट्स, टेक अ ब्रेक, इस पे भी कि इसे कैसे यूज करना है और यह क्या है ऑलरेडी मैंने एग्जांपल के साथ इन दोनों वीडियो को मैंने बनाया हुआ है और यह दोनों वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। सेट अलर्ट में एक ऑप्शन है आपका डिपॉजिट अलर्ट्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपका ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा है कि गेट नोटिफाइड व्हेन योर डिपॉजिट एक्सीड्स अ सेट अमाउंट, जो भी आप यहां पे अमाउंट सेट करेंगे, ठीक है, जैसे ही वो अमाउंट से ज्यादा आप उस महीने में डिपॉजिट करेंगे तो ड्रीम इलेवन आपको अपने तरफ से एक अलर्ट, एक नोटिफिकेशन आपके ड्रीम इलेवन के ऐप पे भेजेगा कि आपने इतना डिपॉजिट कर लिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सेट मंथली डिपॉजिट अलर्ट, तो जो भी आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे वो आपका मंथली बेसिस पे होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 3000 डाला हुआ है और प्रेजेंट टाइम में नवंबर चल रहा है, तो अगर हम 3000 से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो ड्रीम इलेवन अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आपके मर्जी हो उसके अनुसार आप यहाँ पे अमाउंट आप सेट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आप यहाँ पर डालिएगा वो 100 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक। यानी यहाँ पे अगर आप 3100 डालते हैं तो लेगा, 3100 अगर 50 रुपया डालते हैं नहीं लेगा, ठीक है। मिनिमम आप यहाँ पे 1000 डालेंगे, ठीक है, अगर आप 500 डालेंगे नहीं लेगा। तो मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पे 1000 डालना है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर आपने कभी सेट नहीं किया होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 25000 रुपया सेट होता है, ठीक है, कि अगर आप उस महीने में 25000 से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो ड्रीम इलेवन आपको अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन या एक अलर्ट आपके ड्रीम इलेवन के ऐप पे भेज देगा, ठीक है। इस तरह डालने के बाद नीचे लिखा है कि अपडेट अलर्ट, इस पर टच कीजिएगा, आपका सक्सेसफुली यह सेट हो जाएगा, ठीक है। चेंज भी करना चाहें तो आके आप इस पर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। अमाउंट डालिए, अपडेट अलर्ट पर टच कीजिए, आप यहां से जो भी आपने डिपॉजिट अलर्ट सेट किया है उसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने अमाउंट डाला हुआ है उससे ज़्यादा अगर आप ऐड करते हैं और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ड्रीम इलेवन पर ऐड कर रहे हैं तो आप अपने गेम को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, ड्रीम इलेवन को खेलना बंद कर सकते हैं या आप ड्रीम इलेवन से ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि ड्रीम इलेवन पे डिपॉजिट अलर्ट कैसे सेट करना है या इसे कैसे यूज़ करना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक ले मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।